शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से केदी नहीं कीर्ति, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वापस आ जाओ कीर्ति, अपने वरुण के पास वापस आ जाओ। कीर्ति को होश आ गया है भाई। कीर्ति और बच्चा अब दोनों खतरे से बाहर है। श्रद्धा, माता रानी ने तुम्हारी तपस्या स्वीकार कर ली है। कीर्ति बिल्कुल ठीक है अब। माता रानी इसी तरह से अपना आशीर्वाद कीर्ति, उसके आने वाले बच्चे और पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। कीर्ति बेटा, ये हमने आपकी पसंद का जूस बनाया है, ये पीजिए, आपको इससे ताकत आएगी। और आज ना सारा खाना आप ही की पसंद का बनेगा, तो बता दीजिएगा कि क्या क्या बनाना है। और हाँ कीर्ति बेटा, तुम ना लिस्ट भी लंबी बना देना, क्योंकि आज हम भाभी का साथ दे रहे हैं, तो मौका मत छोड़ना तुम। हाँ मम्मी, 1 बजे तक कीर्ति को खाना खाना हो, फिर उसे दवाई लेनी, इससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। वरुण बेटा, उसे कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे दवाई लेनी है, ये सारा विभाग हमारा है, हम संभाल लेंगे। और रही अपनी बहन की ख्वाहिशें, उसे मैं पूरा करूंगी। माता रानी के आशीर्वाद से तू बिल्कुल सही सलामत घर आ गई, नहीं तो तुझे वहां हॉस्पिटल में देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। श्रद्धा बेटा, बेटा आपने जो किया, आज उसी की वजह से कीर्ति हमारे साथ। आपकी जैसी बहन आज के जमाने में कहां मिलती है किसी को।
बिल्कुल ठीक कह रही है आप नैना भाभी। श्रद्धा जैसी इस दुनिया में कोई और नहीं है। अपनी बहन के लिए बिना कुछ खाए पिए घुटने के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, घुटने छिलके, इतनी चोट लगी मगर फिर भी नहीं रुकी और अखंड जोत जलाकर ही वापस लौटी। श्रद्धा बेटा, वाकई तुमने आज हम सबका दिल जीत लिया। माता रानी करे कि तुम हमेशा सुखी रहो, खुश रहो। आरती, बस गले ही मिलते रहोगी या अपनी भाभी को बैठाओगी भी? अरे हालत तो देखो इसकी, बेटा तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, आओ आराम से। कीर्ति, कमाल का नजारा नहीं है ये? मौत के मुंह से तुम लौट कर आई हो और यहाँ दर्द से पिसका ज्यादा नजर आ रहा है, कमाल है। हाँ, यहाँ सबके दर्द पे मलहम लगाने का नाम है श्रद्धा और सबको दर्द पहुंचाने का नाम कीर्ति। कीर्ति, तुम ये क्या बोल रही? श्रद्धा ने तुम्हारी जान बचाने के लिए जो किया है ना, मैं पूरी जिंदगी उसका एहसान नहीं उतार पाऊंगा। आजकल के समय में ऐसा कौन करता है? और सोनिया, ये सब क्या भर रही हो तुम कीर्ति के दिमाग में? अरे उससे बच्चे पे भी असर पड़ेगा। देखो, अगर संभाल नहीं सकती ना तो बिगाड़ो भी मत। आप इसे क्या सुना रहे हैं? ये सब जो भी हुआ है ना, सब आपकी गलती है, मेरी वजह से। वरुण, कीर्ति की ऐसी हालत है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मम्मी, मैं तो बस उसे बस अब कीर्ति से कोई झगड़ा नहीं करेगा, उन्हें सिर्फ आराम की जरूरत है, ठीक है? वरुण बेटा, नैना जी बिल्कुल ठीक कह रही, तुम कीर्ति को लेके कमरे में जाओ, उसे आराम करने दो। जी। अब श्रद्धा बेटा, तुम भी मुंह हाथ धो के आराम करो, चल। नहीं अबे, आप ऐसे मेरे पैर को हाथ मत लगाइए, छोड़िए। चोट पैर पे लगी है, दवा हाथ पे थोड़ी ना लगाऊंगा, पर अगर मुझे लगी थी तो तुम रुकती? कुछ भी सोचती रहती, करने दो मुझे। आपको भी तो चोट आई थी ना, दिखाई? कुछ नहीं है, ठीक हूं मैं। कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? ऐसा क्यों सोच रही हो? अभय, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी है। हर रास्ते पे मैं अकेली चली हूं, लेकिन अब अगर हमारे रास्ते अलग हुए तो उन पे अकेले चलने से बहुत डर लगेगा मुझे, क्योंकि
अब है आपने मेरी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। मेरी हर मुसीबत में, हर मुश्किल में आप मेरे साथ रहे, मेरे साथ खड़े रहे। अब आप ही बताइए, अगर हमारे रास्ते अलग हुए तो मैं अपने आप को कैसे संभाल पाऊंगी? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे सीढ़ियां चढ़ी ना साथ, वैसे मुसीबतों के पहाड़ भी एक साथ पार कर लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि लंबी रेस के घोड़े जैसा है हमारा रिश्ता। ये लो बेटा, ये सारे सूट के कपड़े हमारे लिए? हाँ बेटा, ये सब मेरी बेटी कीर्ति के लिए। और कौन सा डिजाइन तुमने सिलवाना है मुझे बता देना, किस स्टाइल में सिलवाने हैं, मैं बनवा दूंगी। हम जब इतनी शॉपिंग करते थे तो आप तो बहुत डांटती थी, हम इतने ताने सुनाती थी, अब खरीदारी पे खरीदारी की जा रही हो हमारे लिए? हाँ माँ हो तुम्हारी, जब अपनी बेटी पे प्यार आता है ना तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अरे यशवी जी, सारा लाड प्यार आप खुद ही कर लेंगी क्या? अरे हम भी तो इनकी माँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। भाभी ये तो वो वाली बात हो गई कि बात की लटू की लेकिन सामने आगे कर दी लौकी। कीर्ति के लिए कुछ ला रही थी तो जरा कुछ चटपटा सा चाट ले आती। बेटा आप अभी अभी अस्पताल से आई हैं ना, वो चाट वगैरह सब आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। देख रही हो कीर्ति रानी, अपनी सास की माँ वाली हरकतें। ऋतु आप भी ना ताने मारना कभी बंद नहीं करेंगे। आपने वादा किया था ना कि आप अब ये सब नहीं करेंगी और इतनी जल्दी मुकर गई। रहने दीजिए माँ, तानों के बिना ना बुआ जी का दिन पूरा नहीं होता। कीर्ति बेटा, हमारे तानों से ना ज्यादा तेज तुम्हारी जुबान है। बुआ जी वो डायरी कहाँ रखी है? बताइए ना, हम भूल गए। आप प्लीज लेकर आ जाइए डायरी। कीर्ति ये ले, ये मेरी तरफ से तेरे लिए। ये क्या? शौकीन इस घर में, तेरे लिए ऑर्डर किया था 2 दिन पहले, आज आ भी गया। भाभी इस कीर्ति को तो देखी, जब अच्छे से चलती फिरती थी तब ना लड़ झगड़ कर यूं अपना काम निकलवा लेती थी, और अब महारानी जी आराम से पैर पसर कर बैठी पर काम निकलवाना नहीं भूलती, क्यों निकलवा लेती है? अरे वो अपना काम करवाए ठीक है, लेकिन हमारा क्या? आपका कौन सा काम बच गया जो आप निकलवाना चाहती है? अरे ऋतु, हमारे पोता पोती का सपना। अरे हम भी तो चाहते हैं कि हमारी बहू श्रद्धा की सेवा हो, लेकिन नहीं, अरे इस कीर्ति की सेवा में सब ये भूल चुके हैं कि हमारे अभय और श्रद्धा का परिवार अभी बसना बाकी है। रे आप ऐसे हमें काहे देख रही हैं? हमें आदत नहीं है आपकी तरह ताना मारने की।
लेकिन हम सच्चाई सामने रख रहे हैं। हाँ ठीक है कुछ सोचते सोचना पड़ेगा। अरे जल्दी सोचिए, चलाइए अपने दिमाग की छड़ी। अब अभय और श्रद्धा को हम करीब ला कर ही रहेंगे। अभय जल्दी कीजिए, कीर्ति के लिए सामान लेने जाना है। हाँ चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ। कीर्ति की सारी लिस्ट हम देख लेंगे, अभी तुम दोनों पिक्चर देखने जा रहे हो। अरे तुम लोगों के लिए फिल्म रुकने वाली नहीं है, जल्दी जाओ। चले मम्मी जी, बस दो मिनट, मैं कीर्ति को नाश्ता दे देती हूँ, वो उसके पसंद का नाश्ता बनाया है ना, इसीलिए। आप चलिए, मैं आपको नीचे मिलती हूँ। हाँ मैं बाइक के पास हूँ। अब जाओ भी। अब जाओ। आप लोग सब बस कहते हैं कि हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपने कहा था ना कि आप हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगी, सब नाटक। कीर्ति तो तू बता ना, क्या चाहिए तुझे? आपको पता है ना कि संजय कुमार हमारा फेवरेट हीरो है, उसकी फिल्म लगी हुई है और आप जा भी नहीं है देखने, और उसे पूछा भी नहीं कि हमें क्या चाहिए। एक तो वरुण जी, तुमको अपने काम के सिवा ना कुछ और दिखता ही नहीं, किसी का ध्यान नहीं हमारे ऊपर, कोई हमसे प्यार नहीं करता, सब नाटक है, और ये सब गंदा खाना मैं नहीं खाऊंगी। कीर्ति, भाई को तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सूझ रहा, तभी तो वो इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए, बस वो पैसे इकट्ठे करने में लगा है। तुम ना हमारी चिंता मत करो, जाओ जाके मूवी देखो, आप दोनों मस्ती करो, एंजॉय करो, मारा क्या है, हम यहाँ बैठ के बोर होते रहेंगे। और उफ श्रद्धा, तुमने ये मूवी टिकट्स तो मेरे को दे दी, पर मुझे ऑफिस में जाना काम से। अरे यार तुमने खुद ही मुझे काम दिया और भूल भी गई, और ऐसे भी ना मुझे ये संजय कुमार कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन तुमने अब टिकट्स ले ली है तो एक काम करो, तुम कीर्ति घर चली जाओ। हाँ वही तो, हमेशा से ना संजय कुमार की फिल्म देखने का मजा तो कीर्ति के ही साथ ही आता था, तो बता ना कीर्ति चलेगी साथ देखने? हम हाँ, अब आप इतना बोल रही हैं तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं, चलेंगे हम दीदू। आज से हम आपकी बहन नहीं है, और जब अब ये रिश्ता ही खत्म हो गया तो हम आपको दीदू नहीं कहेंगे। अपनी हद में रहो श्रद्धा। भगवान, ऋतु माँ से कह रहे थे ना, जब तक ये कीर्ति है यहाँ हमें इस घर में किलकारियां बुढ़ापे में ही सुनने को मिलेगी। अरे हर बार बीच में घुस जाती है। भाभी जरा धीरे बोलिए, चाय पीकर दिमाग की बत्ती चलाते हैं। चुप रहिए तब तक, सोचने दीजिए हमें कुछ।
अभी सच में हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि अभय और श्रद्धा को करीब कैसे लाए जिससे वो दोनों एक साथ वक्त बिताए और कोई अड़ंगा ना आए। पर ऋतु वो होगा कैसे? ओए कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? वो ये पहले लाया था, फेंकने जा रहा हूँ। यहाँ दो, लाओ हमें दे दो, हम फेंक देंगे। चलो चलो अपना काम करो। वो पीना नहीं। ये ऋतु क्यों है, क्या कर रही है? भाभी जादू की चड़ी। अरे कैसे? ओफो भाभी आपकी समस्या का समाधान है ये। अरे पर कैसे ऋतु? चांदनी रात है, हाथों में हाथ है, तू मेरे साथ। सही छोड़ के हमें ऋतु क्या कर रही है आप? ओफो आप ही ना क्या समझ रही है। अरे हम श्रद्धा और अभय के बारे में बता रहे हो आपको। अरे ऋतु आप ना बस बात को गोल गोल घुमाती है। अरे सीधे बोलिए ना, क्या कहना चाह रही हैं आप? ओफो भाभी सोचिए, अभय और श्रद्धा दोनों एक साथ हैं, हाथों में उनके हाथों में हाथ, मौसम सर्द है, दिल में दर्द है और लबों पे कोई बात है। सही कह रही है भाभी। देखिएगा आज तो किस्मत भी उनका मिलन होने से नहीं रोक सकती। ये फोटो तुम्हें वरुण के फोन में मिली? आजकल ना फैशन चल रहा है घर में पति के साथ टक्कर, तो बाहर पति का किसी और के साथ में चक्कर। छोटी बड़ी मछली जैसी आंखें, भाभी तो मिल्खा से भी आ गई। नाम याद आया? अवनी। नहीं बधाई हो अग्नि, आते के साथ तुम्हें नौकरी भी मिल गई। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।